इंडिया पहली बार मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को लोकली मैन्युफैक्चर करेगा एंड दीज एयरक्राफ्ट्स आर C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स फ्रॉम स्पेनिश कंपनी एयरबस और इनकी प्रोडक्शन टाटा एयरबस के ज्वाइंट वेंचर के अंडर की जाएगी और ये C-295 इंडियन एयरफोर्स के HS-748 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करेंगे एंड दीज एवरोज आर द ओल्डेस्ट ट्रांसपोर्ट कैरियर्स सर्विंग द इंडियन मिलिट्री फ्रॉम द लास्ट 6 डेकेड्स एंड इफ़ यू टॉक अ बिट अबाउट दीज एवरोज तो 1960s में इनको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था और इसकी ओरिजिनल डिज़ाइनिंग ब्रिटिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एवरो द्वारा की गई थी बट लेटर ऑन इट बिकेम अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ हॉकर सिडले और पहले इनका नाम एवरो 748 था बट एवरो के हॉकर सिडले में मर्जर के बाद इट वॉज रीनेम्ड एज HS-748 बट इनको आज भी कैजुअली एवरोज ही बोला जाता है या फिर HS-748 एवरो। इसकी ओरिजिनल डिज़ाइनिंग सिविल मार्केट के लिए थी फॉर द सिविल एविएशन बट लेट 1950s में इंडियन एयरफोर्स ने एवरोज को मिलिट्री यूज़ के लिए चूज़ किया बट क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग सिविल एविएशन के यूज़ के लिए थी तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री यूज़ लाइक इसका जो ओरिजिनल डोर था उसको मॉडिफाई किया गया टू यूज़ इट एज पैराड्रॉपिंग ऑफ पर्सोनल एंड पेलोड एंड मिलिट्री कार्गो लोडिंग एंड सम अदर माइनर चेंजेस। 1960 में कानपुर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो का सेटअप किया गया एज एन एयरफोर्स यूनिट टू प्रोड्यूस द एयर फ्रेम फॉर HS-748 एयरक्राफ्ट्स बट 1964 में इस डिपो को एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफ़र कर दिया गया। एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड जो कि 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था फॉर द लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ MiG-21 फाइटर जेट्स और अक्टूबर 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड इट वॉज रीनेम्ड एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। हालांकि 1988 में हॉकर सिडले द्वारा एवरोज की प्रोडक्शन HS-748 की प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था बट इंडियन एयरफोर्स इनको आज भी यूज़ कर रही है और इनकी अगर करंट फ्लीट की बात करें तो ग्लोबल वर्ल्ड एयरफोर्सेस 2024 की डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग जो कि अभी रिसेंटली फ्लाइट ग्लोबल द्वारा पब्लिश की गई है उसके अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स हैज़ एन एक्टिव फ्लीट ऑफ 58 एवरो एयरक्राफ्ट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ दीज एवरोज विद द C-295s। तो 2010 में एवरोज की रिप्लेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ जब इंडियन एयरफोर्स ने इनकी रिप्लेसमेंट के लिए केस तैयार किया और जुलाई 2012 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा इसकी अप्रूवल दी गई। इसके बाद मई 2013 में इंडियन एयरफोर्स द्वारा 56 एयरक्राफ्ट्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू की गई और फाइनल बिडिंग और प्राइस कंपैरिजंस के बाद एयरबस और टाटा ग्रुप की बिड को अप्रूव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा दैट वाज इन मई 2015 बट फाइनल डील 6 साल बाद साइन हुई दैट वाज इन सितंबर 24, 2021 फॉर द 56 एयरक्राफ्ट्स। नाउ दिस C-295 इज़ अ मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इसकी इनिशियल डिज़ाइनिंग स्पेनिश कंपनी कंस्ट्रक्शनस एरोनॉटिक्स दैट इज़ कासा CASA द्वारा की गई थी विच लेटर बिकेम अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ यूरोपियन एरोनॉटिक्स डिफेंस एंड स्पेस कंपनी इन 1999। 2007 में इसको पहली बार स्पेनिश एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया और 2009 में इट वॉज एब्जॉर्ब्ड इंटू एयरबस। और अगर हम C-295 इस नॉमनक्लेचर को देखें तो C रिप्रेजेंट्स दैट इज कासा द ओरिजिनल डिज़ाइनर ऑफ दिस एयरक्राफ्ट एंड इसके बाद 295 में टू डिनोट्स द नंबर ऑफ इंजन ऑफ दिस एयरक्राफ्ट दैट इज़ 2 और 95 इट डिनोट्स द पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस एयरक्राफ्ट दैट इज़ 9.5 टन्स बट दिस कार्गो कैरिंग कैपेसिटी इट वेरीज फ्रॉम वेरियंट टू वेरियंट एंड द इंडियन वर्जन ऑफ दिस एयरक्राफ्ट इट इज़ कॉल्ड C-295 MW दैट इज मिलिट्री विंगलेट्स। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट वट वॉज द डील। तो 56 एयरक्राफ्ट्स की डील हुई थी जिसमें से 16 टू बी मैन्युफैक्चर्ड एट द कासा फैसिलिटी ऑफ एयरबस इन सेविल स्पेन एंड द डिलीवरी ऑफ विच इज़ प्लान्ड बिटवीन सितंबर 2023
टू अगस्त 2025। इसमें से एक यूनिट की डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को हो चुकी है, दैट वाज इन सितंबर 2023, और बाकी की 40 यूनिट्स को इंडिया में वडोदरा में मैन्युफैक्चर किया जाएगा बिटवीन 2026 एंड 2031, 2026 और 2031 के बीच में। एंड फर्स्ट मेड इन इंडिया C-295 इज एक्सपेक्टेड इन सितंबर 2026। एंड आउट ऑफ दीज 40 यूनिट्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी है, 8 यूनिट्स विल बी असेंबल्ड फ्रॉम द सेमी नॉकडाउन किट्स एंड अनदर 8 फ्रॉम द कम्प्लीटली नॉकडाउन किट्स जिनको एयरबस डिलीवर करेगा। एंड बाकी की 24 यूनिट्स दे आर प्लान्ड विद मोर एंड मोर लोकली प्रोड्यूस्ड असेंबलीज इन इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग मोर देन 13,400 कॉम्पोनेंट्स एंड 4,600 असेंबलीज एंड अदर मेजर कॉम्पोनेंट्स को इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा इन अ फेस्ड मैनर। बट इसमें इंजन, लैंडिंग गियर एंड अवायनिक्स इंक्लूडेड नहीं है, दे विल डायरेक्टली बी प्रोवाइडेड बाय द एयरबस, वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है। और इन 40 यूनिट्स की डिलीवरी के बाद C-295 की प्रोडक्शन असेंबली लाइन को फर्दर ऑर्डर्स के लिए यूटिलाइज किया जाएगा फ्रॉम इंडिया एंड फॉरेन कस्टमर्स लाइक इंडियन आफ्टर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड आर ऑल्सो लुकिंग टू प्रिक्योर C-295s। एंड द इंडक्शन ऑफ C-295s विल गिव अ ह्यूज रिलीफ टू द इंडियन एयरफोर्स एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द एवरोज, बिकॉज दीज एवरोज आर ओनली सस्टेन्ड एज अ मैटर ऑफ नेसेसिटी। मैटर ऑफ नेसेसिटी इसलिए क्योंकि इनकी एज ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुकी है, और C-295s की प्रोक्योरमेंट में भी बहुत डिले हो चुका है। लाइक 2015 में टाटा एयरबस की बिड को अप्रूव किया गया था, बट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, फाइनल कॉन्ट्रैक्ट 2021 में साइन किया गया, तो ये बहुत ही बड़ा गैप है 6 साल का। और ये डील इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को एक बूस्ट तो देगी, इससे सेल्फ सफिशिएंसी भी बढ़ेगी, बट सेल्फ रिलायंस अभी भी बहुत दूर है, क्योंकि इस डील में इंजन्स जो कि एक बहुत ही बड़ा मेजर कंपोनेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एयरक्राफ्ट का, इसके अलावा अनदर कंपोनेंट्स वो इंक्लूडेड नहीं है। और सेल्फ रिलायंट इंडिया तब होगा जब एयरक्राफ्ट्स को लोकली 100% इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा विदाउट इम्पोर्टिंग अ सिंगल कंपोनेंट। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट भी, एजिंग फ्लीट भी रिप्लेसमेंट फेस में है, और 2030 के बाद इनका फेसिंग आउट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अभी करंटली इंडियन एयरफोर्स के पास AN-32s की अराउंड मोर देन 100 एक्टिव यूनिट्स हैं, और इनकी रिप्लेसमेंट का प्रोसेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दिसंबर 2022 में इंडियन एयरफोर्स ने 18 से 30 टन पेलोड कैरिंग कैपेसिटी के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू की थी टू द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स।